हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम और उसमें और नई पार्ट देखेंगे, उसमें और नई नई चीज़ें देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। त्रिभुज तीन भुजाओं से बना हुआ, इसकी त्रिभुज की शेप ऐसी होती है। तो ये हमने छोटी क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन अब इसमें हम और अपग्रेड वर्जन देखेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम भूमिका। आप अपनी पिछली कक्षाओं से त्रिभुजों और उनके अनेक गुणधर्मों से भलीभांति परिचित हैं। यदि कक्षा 9 में आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में भी विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। हमने कक्षा 9 में सर्वांग समता के बारे में भी पढ़ा था ना कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब उसमें रूल लगाए थे हमने कि साइड 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 रूल, साइड एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल, ऐसे। तो हमने रूल लगाए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सर्वांग समता सिद्ध करी थी पिछली 9th क्लास में। याद आ रहा होगा आपको कि हमने त्रिभुजों के विभिन्न गुणधर्म देखे थे। याद कीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार और समान माप हो, मतलब उसकी साइज भी सेम हो। जैसे दो त्रिभुज सर्वांग सम कब थे? ये एक त्रिभुज, और वैसा ही अगर दूसरा त्रिभुज है तो वो सर्वांग सम कब कहलाते थे? जब उसका कोई भी आपने मेजरमेंट साइड 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 या एंगल साइड एंगल ऐसे करके आपने मेजरमेंट निकाली थी, तो उस अकॉर्डिंग एक बार सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद उसका प्रत्येक कोण और उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो। ये हमने छोटी क्लासेस में देखा था सर्वांग समता के बारे में। इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें आकार समान हो परंतु उनके अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। देखो, सर्वांग समता, और ये आज दूसरी चीज हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं समरूप। तो अगर मैं आपको कहूं कि एक सर्वांग सम आकृति है और एक समरूप आकृति है, तो उन दोनों में आज आपको डिफरेंस पता चलने वाला है। तो देखो, समरूप में वापस पढ़ते हैं। इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार तो समान हो, मतलब आकार सेम होने चाहिए। जैसे कोई छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है, तो उनके आकार तो समान है लेकिन उनकी अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। मतलब उनकी जो मेजरमेंट है, उनकी भुजाओं की लंबाई है, वो सेम होना जरूरी नहीं है। तो उसे हम क्या कहते हैं? समरूप आकृति। तो समरूप आकृतियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर फिगर्स, कहलाती है। विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे तथा इस जानकारी को पहले दी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने में प्रयोग करेंगे। अब देखो, आपको ये कोई लड़का है जो आहा पर्वत की ऊंचाई मापना बहुत आसान है, अब ये एक पर्वत की ऊंचाई मापना चाहता है, तो उसमें आप उसकी हेल्प करेंगे कि कैसे मेजर करेगा वो? अब ये देखो, झटपट मैं चांद पर पहुंच जाऊंगा। अब इसने एक लकड़ी ऊपर करी और ये चांद पर पहुंच सकता है, तो आप इसकी मदद करेंगे चांद पर पहुंचने में? बताइए। तो ये दोनों ऊंचाई हम बता सकते हैं? बताइए आप, पाइथागोरस प्रमेय से या कोई और हेल्प लेके? तो इसमें हम आगे यही देखने वाले हैं। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वतों जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयाँ अथवा कुछ दूरस्थ वस्तुओं जैसे चंद्रमा की दूरियां कैसे ज्ञात की गई है? आपने कभी सोचा है? हम कहते हैं कि यहाँ से चांद की दूरी इतने किलोमीटर है, तो वो हमने पता कैसे लगाई? या हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी किलोमीटर है, तो वो हमने कैसे पता लगाया? उसने हमने उनको मापा, तो कैसे मापा ये हम देखेंगे। क्या आपने सोचते हैं कि इन्हें मापने वाले फीते का सीधा प्रत्यक्ष मापा गया है? क्या आपने ऐसे सीधा फीता लिया और ऊपर से नीचे तक उसको माप दिया? क्या इतना लंबा फीता पॉसिबल है क्या? ये बताओ, ये चीजें आपके कभी दिमाग में आई? वास्तव में इन सभी ऊंचों और ऊंचाई और दूरियों को अप्रत्यक्ष मापन, इनडायरेक्ट मेजरमेंट की अवधारणा का प्रयोग करते हुए
ज्ञात किया है जो आकृतियों की समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए उदाहरण 7 और प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 15 तथा इस साथ ही पुस्तक में अध्याय 8 और 9 में। तो इसमें हम आगे जो एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हमने इसकी ऊंचाई कैसे मापी। तो अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, समरूप आकृतियाँ। अब समरूप आकृति, सर्वांग समता से तो आप भली भांति परिचित है कि सर्वांग समता क्या होती है, वो हम कैसे निकालते थे बाय द सिंप्लिसिटी रूल, वो आपको बहुत अच्छे से आ गया है। लेकिन अब समरूप आज हम नया टॉपिक है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो देखो समरूप आकृतियाँ, कक्षा 9 में आपने देखा था कि समान एक ही त्रिज्या वाले सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं, एक ही त्रिज्या वाले। जैसे देखो दो हैं, वर्ग आप कैसे बनाओगे, इसकी त्रिज्या 5 है और इसकी भी 5 है, तो आप वर्ग बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा। अब समान त्रिज्या होगी तो वो वर्ग दोनों बिल्कुल समान होंगे, तो उन्हें मैं कह सकती हूँ कि वो सर्वांग सम है। पर अब नई चीज़ देखो, समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं। अब जिसके वर्ग हैं तो उनकी अगर लंबाई समान है, जैसे ये एक वर्ग है और इसी लंबाई का मैं सेम एक और वर्ग बनाती हूँ, ये तो ये भी आपस में सर्वांग सम है। सर्वांग समता का मतलब ये होता था कि अगर आप उस चीज़ को, एक दो आकृतियाँ हैं, अगर उसको एक को दूसरे के ऊपर रखूँ, ओवरलेप करवाऊँ, तो आपको बिल्कुल उस पर आपको पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट आकृति क्या थी और सेकंड क्या थी, वो थी मेरी सर्वांग समता, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर ओवरलैप कर जाए। लेकिन समरूप उससे थोड़ा डिफरेंट है, वो देखना। समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अब देखो जैसे वर्ग का हमने पढ़ा था, तो अगर ये लंबाई का एक वर्ग है और एक सेम उसी लंबाई का एक और वर्ग है, ऐसा कुछ, तो ये सर्वांग सम है। अब त्रिभुजों के केस में देखती हूँ, जिसकी तीनों भुजाएं समान है, लंबाई समान है, जैसे ये 5 की है, ये भी 5, ये भी 5, ये 5, ये 5 और ये भी 5, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब देखो, पर किन्हीं दो या अधिक वृत्तों पर विचार कीजिए। देखिए 6.1, क्या ये सर्वांग सम है। अब देखो ये आकृतियां, फर्स्ट वाली आकृति देखो आप, ये कोई मेरा व्रत है, ये उससे बड़ा व्रत है, ये भी मेरा व्रत है और ये इससे थोड़ा छोटा व्रत है। अब आप बताओ ये सारी आकृतियां आपको सर्वांग सम लग रही है क्या, ये बताइए। आप कहोगे इनकी त्रिज्या तो समान नहीं है, एक व्रत छोटा है एक व्रत बड़ा है, तो ये सर्वांग सम तो नहीं है, ये सर्वांग सम नहीं है, लेकिन ये समरूप जरूर है। कैसे है देखो, क्या ये सर्वांग सम है, क्योंकि इनमें से सभी की त्रिज्या समान नहीं है, इसलिए ये परस्पर सर्वांग सम नहीं है। ध्यान दीजिए, इनमें कुछ सर्वांग सम है और कुछ नहीं है, परंतु इनमें से सभी के आकार समान है, अतः वे आकृतियां हैं जिन्हें हम समरूप सिमिलर कह सकते हैं। समझ में आया, समरूप मतलब एक जैसे दिखते हैं, जैसे एक छोटा व्रत है और एक ये बड़ा व्रत है, ये इससे और बड़ा और ये इससे और बड़ा, तो ये समरूप है, मतलब वो के वो शेप थोड़ी और बड़ी में आपको दिखी है, तो वो एज ए समरूप कहलाती है। समरूप तब क्या होके, बहुत से एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे अपने शो पीस में कोई ताजमहल का बिल्कुल छोटा सा पीस आता है तो आप उसको देखते हैं, और एक एक्चुअल में रियल वाला ताजमहल, वो दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं बट उनके मेजरमेंट एक नहीं है, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल आकृति सेम है। जैसे बॉल है, एक आपके पास छोटी बॉल है और एक फुटबॉल बड़ी बॉल है, तो वो आपस में समरूप है। ध्यान रखना, समरूप, सर्वांग सम यानी दो बिल्कुल एक जैसी चीजें, लेकिन समरूप बिल्कुल आकृति में दिखने में एक जैसी, लेकिन उनकी जो लंबाई के माप है या जो त्रिज्या है वो अलग अलग होगी। ये डिफरेंस है समरूप और सर्वांग सम में। तो अब यहाँ पे अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये समरूप है। अब ये देखो वर्ग, अब ये वर्ग और ये वर्ग, ये दोनों, इनको हम सर्वांग सम कह सकते हैं, लेकिन ये वाला वर्ग और ये वाला, ये समरूप है, क्योंकि इनकी शेप एक जैसी है,
कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन एक शेप एक जैसी आ रही है इनकी, तो ये समरूप कहलाती है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर, समरूप को सिमिलर कहते हैं। दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु इनके अमाप समान नहीं होने आवश्यक नहीं है। अमाप यानी उनकी मेजरमेंट, उनकी लंबाई जो अपन मापते हैं ना उनकी, वो समान होना जरूरी नहीं है। जैसे आकृतियां तो समान है, जैसे ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है और ये भी समबाहु है, तो ये हैं तो सारे समबाहु, इनकी आकृतियां सबकी सेम है। बट लेकिन इनकी जो भुजाओं की लंबाई है वो अलग अलग है। इसकी जैसे कुछ 5 के करीबन है, इसकी 1 ही है, इसकी 2 है, तो अलग अलग है, तो भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो आकार तो सेम है लेकिन इनकी अमाप सेम नहीं है। दो या अधिक वर्गों के बारे में अथवा दो या अधिक समबाहु त्रिभुजों के बारे में आप सोचते हैं, देखिए 6.1 का सेकंड एंड सभी वृत्तों की तरह ही यहाँ सभी समरूप वर्ग समरूप हैं तथा सभी त्रिभुज समरूप हैं। अब देखो समरूपता के उदाहरण, आप कोई भी दो वर्ग वृत्त ले सकते हो, वर्ग ले सकते हो, कोई भी समबाहु त्रिभुज ले सकते हो, तो वो आपस में समरूप होंगे। क्योंकि समबाहु मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसके तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। आपने समद्विबाहु लिया या विषमबाहु लिया तो उसकी अलग अलग होगी, तो वो जरूरी नहीं है कि समरूप हो, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। तो उपरोक्त चर्चा से हम ये कह सकते हैं कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। देखो इसको मैं आपको समझाती हूँ। ये कोई मेरी दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं, ये दो सर्वांग सम त्रिभुज है, तो ये समरूप तो है ही है कि नहीं है। लेकिन अगर दो समरूप हो तो वो जरूरी नहीं है सर्वांग सम होंगे। जैसे समरूप ये भी हो सकता है और इससे थोड़ा बड़ा त्रिभुज भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों सर्वांग सम नहीं है तो उसका उल्टा नहीं हो सकता। समझ में आया? क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं क्या? आप बताओ, एक वृत्त और एक वर्ग दोनों समरूप हो सकते हैं क्या? क्या एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं? इन आकृतियों को देखने मात्र से ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप त्रिभुज की आकृति देखो, कोई भी दो त्रिभुज, आप वृत्त की आकृति देखो और आप वर्ग की आकृति देखो, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपस में समरूप हैं या नहीं। देखो आप इसके एग्जाम्पल्स आप घर पर बैठ के भी कर सकते हो, कॉपी में ड्रॉ करके आप देख सकते हो। तो अब देखो, आप त्रिभुज ABCD और PQRS के बारे में क्या कह सकते हैं? देखो ये आकृति कोई 6.2 है। अब इसको देखो, ABCD ये और PQRS, अब मुझे बताओ ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग सम लग रहे हैं क्या? आप बोलोगे सर्वांग सम तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है ओके सर्वांग सम नहीं है। अब मुझे बताओ ये समरूप लग रहे हैं क्या आपको? तो आप बोलोगे हाँ समरूप तो मुझे लग रहे हैं, एक इस शेप दोनों की सेम लग रही है। तो देखिए क्या ये समरूप है और क्या आकृतियाँ समरूप सी प्रतीत हो रही है? तो आप कहोगे हाँ प्रतीत तो हो रही है, परंतु हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसके मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, तो हम गैस करके या अनुमान लगा के हम नहीं कह सकते कि ये समरूप है। हाँ तो परंतु हम इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आकृतियों की समरूपता के लिए कोई परिभाषा ज्ञात करें तथा इस परिभाषा पर आधारित यह सुनिश्चित करने के लिए कि दो दी हुई कोई आकृतियां समरूप है या नहीं कुछ नियम प्राप्त करें। अब इसके लिए हम कुछ नियम देखेंगे कि समरूप के लिए क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, कि मतलब क्या नियम है इसके कि उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों समरूप हैं। जैसे आपने व्रत के केस में कह दिया कि ये भी गोला है ये भी गोला है तो ये समरूप हैं। समबाहु त्रिभुज के केस में कह दिया कि ये भी सम त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन कुछ और मैंने जैसे अब ये यहाँ चतुर्भुज का केस आ गया, तो अब उस केस में आप क्या कहोगे? क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते ना कि इसमें इसकी भुजा हल्की सी टेढ़ी है, 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, तो आप उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकते, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसके लिए हमने कुछ नियम बनाए। अब देखो आकृति
6.3। अब देखो इसमें ताजमहल की आकृति है, कुछ बड़ी है, सेकंड वाली में थोड़ी सी छोटी है, और थर्ड वाली में उससे छोटी है। तो तीनों की तुलना आप देखेंगे, आप कहेंगे हाँ तीनों मुझे समरूप तो दिख रहे हैं। आप तुरंत कहेंगे कि ये एक स्मारक ताजमहल है, ताजमहल है, आपको पता चल रहा है ना कि चित्र हैं, परंतु ये भिन्न भिन्न अमापों, भिन्न भिन्न साइज के हैं। क्या आप कहेंगे कि ये चित्र समरूप हैं? हाँ ये हैं, समरूप हैं। आपने कितना इजीली कह दिया। आप एक ही व्यक्ति के एक अमाप वाले दो चित्रों के बारे में क्या कह सकते हैं, जिनमें से एक में उसकी 10 वर्ष की आयु है और दूसरे में उसकी 40 वर्ष की आयु है, क्या ये दोनों चित्र समरूप हैं? ये बताओ, मतलब जैसे चित्र सेम है, साइज दोनों की सेम है, बस एक में उसकी 10 वर्ष की आयु है और दूसरे में उसकी 40 वर्ष की है, तो ये चित्र समान अमाप के हैं, परंतु निश्चित रूप से ये समान आकार के नहीं हैं, अतः ये समरूप नहीं हैं। देखो मैंने आपको कह दिया कि दो फोटो हैं, एक आप जब 10 साल के थे तब का है और एक आप अभी 16 साल के हो तब आपका है। तो आपको बताओ ये दोनों आपको बिल्कुल A4 साइज, मतलब जो अपने पासपोर्ट साइज फोटो हैं वो हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि ये समरूप हैं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये तो दोनों सेम मेजरमेंट के हैं, हाइट और जो बिल्कुल सेम है उसकी, अगर उसको मैं दोनों को साथ में रखूँ तो मेरे को बिल्कुल। बट अंदर जो फोटो है क्या वो सेम है, ये बताओ। एक फोटो आप 10 साल के थे तब का है और एक अभी आप जो हो 16-15 साल के हो जो उसका है, तो अब वो समरूप नहीं है ना, क्योंकि आकृति तो अंदर चेंज है, भले उनकी बिल्कुल आपको शेप सेम दिख रही है लेकिन जो अंदर आकृति बनी हुई वो तो अलग है। तो इसके बारे में भी कोई मैं निश्चित क्राइटेरिया नहीं कह सकती, तो ये भी समरूप नहीं है। जब आप कोई फोटोग्राफर एक ही नेगेटिव से विभिन्न मापों के फोटो प्रिंट निकालती है तो वह क्या करती है, आपने स्टेपल साइज, स्टैम्प साइज, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज के बारे में अवश्य सुना होगा। वह सामान्य रूप से एक छोटे साइज की फिल्म, मान लीजिए जो 35 mm अमाप वाली फिल्म है, पर फोटो खींचती है और फिर उसे एक बड़े अमाप जैसे 45 mm अमाप वाली फोटो के रूप में आवर्धित करती है। जैसे अपन फोटो खिंचाते थे पहले तो उसमें एक नेगेटिव निकलती थी, वो थोड़ी छोटी साइज की होती थी, लेकिन जो अपना फोटो प्रिंट निकल के आता है वो थोड़ा बड़ी साइज के होता है। तो यदि हम छोटे चित्र के किसी एक रेखाखंड को लें तो बड़े चित्र में इसकी संगत रेखाखंड लंबाई में पहले रेखाखंड 45/35 या 55/35 गुना होगा। वास्तव में इसका अर्थ है कि छोटे चित्र का प्रत्येक रेखाखंड 35:45 या 35:55 के अनुपात में आवर्धित हो गया है। इसी को हम इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि बड़े चित्र का प्रत्येक रेखाखंड 45:35 या 55:35 के अनुपात में घट गया है। साथ ही यदि हम विभिन्न अमापों के दो चित्रों के संगत रेखाखंडों के किसी भी युग्म के बीच बने झुकावों को लें तो आप देखेंगे कि ये झुकाव सदैव बराबर होंगे। यदि दो आकृतियां तथा विशेषकर दो बहुभुजों की समरूपता का सार, तो इसका पूरा सार निष्कर्ष मैं आपको दो लाइन में बताती हूँ कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब? यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, ध्यान से सुनना, और दूसरा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। उसने ये नहीं कहा कि बराबर हो, अनुपात एक हो। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। ये मैंने हमने त्रिभुज का एग्जांपल लिया था। अब देखो एक तो संगत कोण बराबर हो, जैसे ये 60 है, ये भी 60 और ये भी 60, संगत कोण यानी जैसे ए बी और सी है और ये पी क्यू और आर है, तो ए का संगत कोण पी है तो पी भी मेरा 60 डिग्री होना चाहिए, बी का संगत कोण क्यू है तो क्यू भी मेरा 60 डिग्री होना चाहिए और आर का संगत कोण सी है तो ये भी मेरा 60 डिग्री होना चाहिए। मतलब जो कोणों संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए। दूसरा भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, अनुपात मतलब सेम अनुपात में होने चाहिए। जैसे अगर ये 2 है तो ये मेरा 4 हो या 6 हो, कोई भी हो, लेकिन सबका अनुपात में निकालूँ तो सेम रेशियो में आना चाहिए। जब ये 2 है तो ये 4, तो ये 2 है तो ये 4, यानी 1/2 के अनुपात में है, तो ऐसे अनुपात हमेशा उसका
सेम रहना चाहिए जो भी आपने बुझा ली है। तो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखो ये इसका मतलब समझ में आया कि समरूपता को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, पहला यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यानी जो पर्टिकुलरली इस एक त्रिभुज की बात दूसरे त्रिभुज से करें तो इसका संगत कोण इस संगत कोण के बराबर हो। दूसरा इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, जैसे ये ए बी है तो वो पी क्यू के बराबर है, रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि बहुभुजों के लिए संगत भुजाओं के इस एक ही अनुपात के स्केल को गुणक स्केल फैक्टर अथवा प्रतिनिधि भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर फ्रैक्शन सॉरी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है। आपने यह अवश्य सुना होगा कि विश्व मानचित्र अथवा ग्लोबल मानचित्र तथा भवनों के निर्माण के लिए बनाए जाने वाले रूप रेखा एक उपयुक्त स्केल गुणक तथा कुछ परिपाटियों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। जैसे उसके जो मेजरमेंट और स्केल लेते हैं ना, तो वो एक फिक्स मेजरमेंट लेके हम बनाए जाते हैं। तो अब देखो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं तो आपके दिमाग में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आकृतियों की समरूपता को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करें। देखो ये आपको एक एक्टिविटी इसमें की हुई है, एक लड़की है और उसकी मम्मी है, तो वो दोनों एक एक्टिविटी परफॉर्म करिए, इससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो अपनी कक्षा में कैमरे की छत पर किसी बिंदु ओ पर प्रकाशयुक्त बल्ब लगाइए और उसके ठीक नीचे मेज रखिए। आइए एक समतल कार्डबोर्ड में से एक बहुभुज मान लीजिए, चतुर्भुज ए बी सी डी काट लिया मैंने, ले तथा इस कार्डबोर्ड को भूमि के समांतर मेज पर और जलते हुए बल्ब के बीच में रखिए। देखो आपको क्या करना है, एक बल्ब लेना है, नीचे मेरी टेबल है ही है, एक मैंने कार्डबोर्ड पे चतुर्भुज की शेप काट ली, उसको मैंने बल्ब के नीचे ऐसे पकड़ के रखा है, एग्जैक्ट ऊपर से बल्ब का प्रकाश आ रहा है। तो अब आपको क्या देखना है, अब आप क्या देखोगे, चलो आप बताओ, अब हम आगे नहीं पढ़ते हैं, एक बार आप बताओ कि आपने क्या मेज़र किया या क्या आपको पता चला कि इससे क्या होगा। तो आप देखेंगे कि कुछ जैसे ही बल्ब का प्रकाश उस गत्ते पे पड़ा तो वो वैसे गत्ते की शेप पूरी की पूरी नीचे आ गई। जैसे आपने दिन में जब आप खड़े रहते हो तो आपकी छाया पीछे बनती है वैसी की वैसी अकॉर्डिंग, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब देखेंगे आप कि मेज पर ए बी सी डी की छाया शेडो पड़ी, इस छाया को बाहरी रूपरेखा ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश से चिन्हित किया। अब देखो जैसे ये बल्ब था मेरा ओ, अब आपने कार्डबोर्ड ए बी सी डी लिया, उसको आपने रहा यहां रखा, अब जैसे ही आपने ऊपर बल्ब का प्रकाश डाला तो आप देखेंगे ये नीचे ए बी सी डी पूरा एक कार्डबोर्ड फिर से बन गया, उसकी छाया फिर से बनी। तो अब आपने उसको ए बी सी डी नहीं बोला, अब आपने उसको क्या बोला, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, क्योंकि मैं जैसे ही आपको ए बोलूँगी तो आप तो वही सोचेंगे कि मेरे चतुर्भुज और जो मैंने शेप काटी थी उसका ए है। इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए दूसरी आकृति को मैंने ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश नाम दिया। तो नीचे वाली मेरी सेकंड इमेज हो गई और ऊपर वाली मेरी फर्स्ट है जो मैंने हाथ में कार्डबोर्ड लिया था। तो अब देखो इसको मैंने ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश से चिन्हित किया। ध्यान दीजिए चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश चतुर्भुज ए बी सी डी का एक आकार परिवर्तन है। यह प्रकाश के इस गुणधर्म के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि प्रकाश ऊपर से गिरा तो वो सीधी रेखा में गया, तो उसने क्या किया उसकी छाया को उसकी प्रतिलिपि नीचे बना दी। तो जो ए बी सी डी चतुर्भुज था ना वो कब उसकी छाया मुझे नीचे दिखी, जिसको मैंने ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश कहा। तो आप यह भी देख सकते हैं कि ए डैश किरण ए ओ पर स्थित है। अब देखो अब एक बात बताओ ए डैश कहाँ है, आप कहोगे ये रहा ठीक है, लेकिन ए डैश बना कैसे, आप कहोगे ओ से जो लाइन आई वो ए पे गिरी और उसके बाद में उसकी इमेज नीचे गिरी, तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ए डैश जो है वो ए ओ पर स्थित है कि नहीं है, बी डैश बी ओ पर, सी डैश सी ओ पर और डी डैश डी ओ पर स्थित है। यस वेरी गुड।
और डी डैश करण ओडी परिस्थिति है। इसी प्रकार चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश और ए बी सी डी समान आकार के हैं, क्योंकि जितनी मेरी उस चतुर्भुज की मेजरमेंट थी ना वो की वो नीचे उसकी छाया में बन गई, परंतु इनके माप भिन्न भिन्न हैं। देखो आकार तो समान है लेकिन उसके माप अलग हो सकते हैं, क्योंकि उसकी छाया लंबी भी हो सकती है, कुछ मेजरमेंट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उसके आकार तो समान है। जैसे चतुर्भुज की शेप थी तो नीचे भी मेरा चतुर्भुज ही बना, तो उसके आकार तो समान थे लेकिन उसकी माप भिन्न भिन्न है। अब आप चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश चतुर्भुज ए बी सी डी के समरूप है। अब आपको समझ में आया समरूपता का कॉन्सेप्ट कि उन दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए, चाहे उनकी जो मेजरमेंट है वो उनका रेशियो सेम होना चाहिए लेकिन उसकी जो शेप है वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। जैसे कोई गोल चीज़ है तो वो दूसरी भी सेम गोल शेप में ही होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? तो वो आपस में समरूप कहलाएगी। तो आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि शीर्ष ए डैश शीर्ष ए के संगत है, बी डैश बी के, सी डैश सी के और डी डैश डी के। सांकेतिक रूप से हमें इन्हें कॉरेस्पॉन्डेंस को कैसे शो करते, देखो ए डैश को मैं करूँगी ए ऐसे, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है, बी डैश को बी से ऐसे, सी डैश को सी से और डी डैश को डी से निरूपित किया जाता है। दोनों चतुर्भुज के कोणों और भुजाओं को वास्तविक रूप से मापकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। आप उस जो शेप बनी है ना उसके वहाँ पे आप मेजरमेंट कर दो, वहाँ पे पेन से टिक कर दो कि कहाँ पे उसकी छाया बनी, उसके बाद में आप उसके एंगल का मेजरमेंट करो और जो आपने शेप काटी थी ना उसका मेजरमेंट करो कि उसके साइड जो थी ना उसकी भुजा उसके कितनी लंबाई है और नीचे जो छाया बन रही है उसकी कितनी है, उसके जो कोण थे प्रत्येक उसकी क्या माप है और जो नीचे आकृति बनी है उसका क्या माप है। तो आप जब मेजर करोगे तो आप एक चीज देखोगे कि कोण ए, जैसे ए बी सी डी त्रिभुज था चतुर्भुज था, तो कोण ए जैसे ये कोण है ये बी ये सी और ये डी था, तो यहाँ पे ये कोण ए बन रहा है ना, तो जब नीचे जो उसकी छाया पड़ी तो उसमें भी तो कोण ए बन रहा था, कोण ए डैश। तो अब आप एक चीज में नोट करोगे कि ए जो है वो ए डैश के बराबर है, बी बी डैश के बराबर है, सी सी डैश के बराबर है और डी डी डैश के बराबर है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यही वाली लाइन हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करें जो अभी हमने पढ़ी थी ना, ये देखो ये पॉइंट था ना वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात एक ही अनुपात में होती है, ये वाली चीज हम पढ़ रहे हैं। तो ए ए डैश के बराबर है, बी बी डैश के, सी सी डैश के और डी डी डैश के, और इनका अनुपात भुजाओं का, जैसे ए बी भुजा हो गई तो उसके संगत सेम उस चतुर्भुज में कौन सी भुजा होगी, ए डैश बी डैश होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब मुझे बताओ बी सी की कौन सी होगी, बी डैश सी डैश, वेरी गुड। सी डी की, सी डैश डी डैश, वेरी गुड। और डी ए की, डी डैश ए डैश, यस। तो इससे पुनः यह बात स्पष्ट होती है कि मतलब इन सब का अनुपात सेम रहेगा, जैसे ए की लंबाई 1 है तो इसकी 2 है, बी सी की अगर 3 है तो ये 6, यानी कट के अनुपात इनका हमेशा बराबर रहेगा भुजाओं का, ये बात आप ध्यान रखना। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी सभी संगत कोण बराबर हों, दूसरा यदि उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। देखो ये अनुपात में है कि नहीं है, मतलब उनका अनुपात हमेशा सेम रहना चाहिए, सब बराबर है। दोनों को अगर मैं एक चतुर्भुज की एक भुजा और वही सेम संगत भुजा दूसरी चतुर्भुज की लेके उनका अनुपात निकाले, मतलब बट्टा करें, तो उनका अनुपात हमेशा सदैव बराबर रहना चाहिए। तो जैसे ए अपॉन ए बी अपॉन ए बी ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश और सी डी अपॉन सी डैश डी डैश, डी अपॉन डी डैश ए डैश, मतलब इनका सबका अनुपात एक ही चीज रहेगी, चाहे 1/2 हो या कोई भी राशि हो सबका बराबर आएगा। तो यही चीज समरूपता में हमको सीखनी है, ये चीज़ आपके लिए नई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप देखो उपरोक्त के आधार पर आप सरलता से कह सकते हैं कि आकृति 6.5 में दिए गए चतुर्भुज ए बी सी डी पी क्यू आर एस के
समरूप है। अब देखो इसमें अपन निकालते हैं कैसे। पहला देखो, अगर AD के समरूप भुजा कौन सी है, जो उसके सेम कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा कौन सी है, तो आप बोलोगे AD अपॉन PS, ठीक है, तो 2.1 अपॉन 4.2, ठीक है। तो अब दूसरा रेशो देखो, DC और अपॉन SR, ठीक है, तो 2.4 अपॉन 4.8। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये रेशियो भी 2.1 अपॉन 4.2 आ गया, इस ये रेशियो इस रेशियो के बराबर आ गया। अब कोई सा भी रेशियो देख लो आप, ये 2.5 और 1.5, तो 2.5 अपॉन 5.00। तो अगर मैं इसको काटूं तो 1/2, इसको भी अगर मैं काटूं तो 1/2, तो रेशियो हमेशा 1/2 ही रहेगा। अब ये फोर्थ वाला भी देख लो, 1.5 है अपॉन 3.0, 1/2, तो हमेशा चारों भुजाओं में रेशियो 1/2 ही रहा। तो अब टिप्पणी, क्या आप इसका सत्यापन कर सकते हैं? यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो और यह दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप हो, तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। जैसे एक बहुभुज दूसरे के समरूप है और ये दूसरा वाला तीसरे के समरूप है, तो इसका मतलब जो पहला था वो तीसरे के भी समरूप है, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ ए बी के समरूप है और बी जो है वो सी के समरूप है, तो ए है वो सी के भी समरूप है, क्योंकि वो आपस में तीनों समरूप हो गए। तो यह आप देख सकते हैं कि आकृति 6.6 में दो चतुर्भुजों, एक वर्ग और एक आयत में संगत कोण तो बराबर हैं, लेकिन इनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में नहीं हैं, तो यह समरूप नहीं होंगे। देखो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों, जैसे आपने दोनों कोण भी, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और उनकी भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। अब आप कहोगे इसमें सारे कोण 90 90 90 के आ गए, ठीक है, तो ये तो मेरा क्राइटेरिया ठीक हो गया, लेकिन अब भुजाएं भी तो देखो। तो अब मैं भुजाएं देखती हूँ, तो उसमें देखो रेशो देखें, इसका है 3:3, इसका मतलब मेरा रेशो 1 का होना चाहिए कट के। अब ये देख लो, 3 और 3.5 करूँ, 3 अपॉन 3.5, ये तो नहीं हो रहा 1, रेशो गलत हो गया। ये 3 और ये 3, ठीक है, ये 3 और ये 3.5, नहीं, चारों रेशो सेम होने चाहिए, लेकिन मेरा तो यहाँ नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब मेरा ये समरूप नहीं है। इस प्रकार आप देखते हैं कि आकृति 6.7 में दो चतुर्भुजों, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं है, तो दोनों बहुभुज समरूप होंगे। अब देखो, आपको एक बार तो कोण समान दे दिए तो आप, और भुजाएं समान नहीं, तो आपको कहेंगे कोण तो समान है तो ये समरूप होंगे, नहीं, दोनों चीज़ें समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोण समान करके बोलो नहीं ये तो समान है, नहीं, कोण भी समान होने चाहिए और उनकी भुजाएं भी संगत होनी चाहिए। अब देखो इस वाली में देखो, इसमें कोण समान नहीं है लेकिन भुजाएं सारी समान है, देखो मतलब रेशियो इसका सब समान हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, 2.1 अपॉन 4.2, 1:2 का रेशियो है, हर समय 1:2 1:2 का रेशियो आ रहा है, लेकिन कोण तो समान नहीं है, तो भी ये समरूप नहीं है। तो आप देखेंगे कि दो बहुभुजों की समरूपता के प्रतिबंधों एक और दो में से किसी एक का ही संतुष्ट होना उसकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है, ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं कि आप एक मेजरमेंट कर दो और हाँ आप कह दो समरूप है, नहीं, उसके लिए दोनों मेजरमेंट होने चाहिए, कोण का भी होना चाहिए और भुजा के अनुपात भी सेम होने चाहिए, ये करोगे तो ही आपके सही होगा। चलो अब हम करते हैं प्रश्नावली 6.1, सुनो। सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत, जैसे आप कोई सा भी व्रत ले लो, तो ये सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं, बताइए, आप खुद बताइए। अब इसके क्वेश्चन के आंसर आप देंगे, बताओ, समरूप होते हैं ना? यस, ये समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांग समता के लिए तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे होने चाहिए। सभी वर्ग डैश होते हैं, अब सभी वर्ग समरूप होते हैं, सॉरी समरूप, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज, समबाहु या समद्विबाहु, समबाहु। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, तभी वो बराबर होंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन,
निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं, समरूप आकृतियाँ और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। हम हमको दो एग्जाम्पल देने जिसमें एक तो हमको समरूप आकृति बतानी है और एक ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो देखो अब ये वाली आकृति आपको क्या दिख रही है, आप कहोगे समरूप है, ठीक है, ये छोटी है ये बड़ी है, लेकिन इसका हर कोण इस कोण के संगत कोण के बराबर है और इसकी हर भुजा का जो रेशियो है, जैसे ये दो है तो ये छः है, ये दो है ये छः है, ये दो है ये छः, मतलब इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, तो ये मेरा समरूप के। और जो समरूप नहीं है, अब देखो ये कोई मेरी शेप है और ये कोई मेरी अलग शेप है, अब आप नहीं कह सकते कि इसकी भुजा क्या है, किस रेशियो में है, तो ये समरूप नहीं होगी। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, अब बताओ आप बताओ समरूप है कि नहीं है इसकी दोनों, इसको देखो शेप और इसको देखो, आप कहोगे ये तो कोण सेम नहीं है दोनों, ठीक है रेशियो देख लेते हैं। देखो दोनों क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए, पहला तो कोण और दूसरा संगत भुजा का अनुपात, दोनों क्राइटेरिया फॉलो। आप बोलोगे कोण में ये क्राइटेरिया गलत हो गया, तो पहले ये समरूप नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार भुजा चेक कर ले तो 1.5/3 तो ये 0.0 यानी 1/2, 1/2 रेशियो सबका देखोगे तो आप 1/2 ही रेशियो में है, ठीक है ये भुजा संगत है इसकी, उनका रेशियो सेम है लेकिन ये कोण सेम नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। क्लियर, ओके। अब त्रिभुजों की समरूपता, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे हम 6.2 एक्सरसाइज भी करेंगे और आगे बहुत सारी एक्सरसाइज आने वाली है, तो उसके लिए यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है ना, तो आपको पहले इसका थ्योरी पार्ट पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे जो आने वाले क्वेश्चन है वो थोड़े और एडवांस क्वेश्चन है, तो उसमें आपको पहले पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आज, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए तो आगे जब हम करेंगे ना तो वो सारे क्वेश्चन आपको पहले से पढ़ के आना है, तो ही हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।